किसी सरकार ने नहीं सोचा, लेकिन जनधन योजना के माध्यम से इस देश के अंदर 25 करोड़ गरीबों के परिवारों के खाते खोलना, यह देश के गरीबों के प्रति इस सरकार की सोच को प्रदर्शित करता है, जो आम नागरिक के लिए, उसमें हर जाति के लोग थे, हर मत हर लिंग से जुड़े हुए लोग थे, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ। इस सरकार ने उसके बाद जो योजनाएं घोषित की, चाहे वो डिजिटल इंडिया का हो, स्टार्टअप इंडिया का रहा हो, स्टैंड अप इंडिया का हो, इस देश के युवाओं के स्वावलंबन के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत कितनी अच्छी योजना थी, इस देश की महिलाओं के लिए समर्पित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गांव में हम लोगों को जाने का अवसर प्राप्त होता है, और आज एक गांव की गृहिणी इस बात को कहती है कि अब मुझे इस बात की चिंता नहीं कि लकड़ी नहीं मिलेगी या बरसात के कारण अगर ईंधन उसे प्राप्त नहीं होगा तो उसके घर में रसोई नहीं जलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उसके घर तक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस पहुंचा दिया है। कल्याणकारी योजनाओं को किस हद तक पहुंचाने का कार्य और किस तत्परता के साथ हुआ है, इस 2.5-3 वर्ष के दौरान जितनी कल्याणकारी योजनाएं इस देश के अंदर, विकास की योजनाएं जिस तत्परता के साथ प्रारंभ की गई, वह देश और दुनिया में एक आदर्श मॉडल के रूप में भारत सबके सामने प्रस्तुत हुआ है। और इसलिए मैं आप जब वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही है, इस देश का पूर्वी भारत विकास के पैमाने पर हमेशा पिछड़ता जाता था, उपेक्षित था, कोई उनके बारे में नहीं सोचता था। मैं स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश से 1998 से लगातार इस सदन में चुनकर के आता हूं और आता रहा, हम अपनी बात को कहते रहे, कोई सुनता नहीं था। 26 वर्षों से गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना बंद था, जब भी हम लोग अपनी बात को रखते थे तो कहते थे इसके बारे में कोई पॉलिसी बनाएंगे, बंद उद्योग को कैसे चला पाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा और आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, 26 वर्षों से बंद उस गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने को न केवल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष जाकर के शिलान्यास किया है, अल्प वहां पर कार्य भी प्रारंभ हो गया है, और 2019 से पहले गोरखपुर में, बरौनी में, सिंदरी में नए फर्टिलाइजर कारखाना स्थापित होकर के खाद उत्पादन का कार्य, उर्वरक उत्पादन का कार्य प्रारंभ भी हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैं सदन में लगातार चिल्लाता था, उत्तर प्रदेश के 34 जिले इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित थे, मासूम बच्चे मरते थे। आश्चर्य होता है मुझे इस बात पर कि जो लोग बार बार इस बात को कहते थे, दलितों की बात करते थे, अल्पसंख्यकों की बात करते थे, अधिकतर मरने वाले बच्चे दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के थे, 90% बच्चे उस समुदाय के थे, लेकिन उनकी पीड़ा को कभी किसी के द्वारा यहां पर सहानुभूति दिखाने का प्रयास नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर को एम्स दिया और एम्स जैसा चिकित्सा संस्थान गोरखपुर में आज कार्य उसका प्रारंभ हो रहा है। देश के अंदर बुनियादी ढांचे का विकास कैसे होना चाहिए, यह मॉडल देश के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से हमारे आदरणीय नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो प्रारंभ किया था। इस देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानक के 4 लेन और 6 लेन के एक्सप्रेसवे बन सकते हैं, यह मॉडल उन्होंने इस देश को दिया, और आज जिस तेजी के साथ इस देश के अंदर कार्य प्रारंभ, भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। महोदय, मैं आभारी हूं कि इस सदन में 1998 से लेकर के अब तक मुझे बहुत कुछ जानने, सीखने, संसदीय प्रणाली के बारे में बहुत कुछ सीखने का अवसर मुझे यहां प्राप्त हुआ है, और उत्तर प्रदेश के बारे में आज उत्तर प्रदेश का दायित्व मेरी पार्टी ने मुझे सौंपा है, और मैं उत्तर प्रदेश में सेवा के लिए अपनी सेवाएं वहां प्रदान करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2.5 वर्ष में 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र की
मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिए, लेकिन इस दौरान मात्र 78,000 करोड़ रुपए ही उत्तर प्रदेश के अंदर व्यय हो पाए हैं, क्योंकि उनका कोई विकास का ढांचा नहीं था। और मुझे लगता है कि ये जो स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मिला जनादेश, स्वतः उन लोगों को जिन लोगों ने विकास और लोक कल्याणकारी योजनाओं पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया है, उन लोगों पर एक तमाचा भी है। उत्तर प्रदेश का जनादेश इस बात को साबित करता है। मैं केवल अनुरोध करना चाहूंगा महोदय आप सब से कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का एक नया ढांचा, सबका साथ और सबके विकास की तर्ज पर अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की नई सरकार स्थापित करेगी। हम हर जाति, हर वर्ग और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग संकल्पित होकर के कार्य करेंगे। जो धनराशि अब तक खर्च नहीं हो पाई है, किन कारणों से खर्च नहीं हो पाई है, प्रभावी ढंग से आज यहां पर उपस्थित हैं। मैं केवल कहना चाहूंगा उस समय जब मैं बहुत, मेरी उम्र उस समय मात्र 26 वर्ष की थी, मैं बहुत पतला था। जब मैं यहां आता था तो अभी भी कोई बहुत मोटे नहीं है। वैसा वजन बढ़ा उस समय गोरखपुर की स्थिति ऐसी थी कि जब मुझे यहाँ पर उस समय के उर्वरक और रसायन मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी ने जब मुझे देखा तो मैं गोरखपुर खाद कारखाने के बारे में उनसे चर्चा करने के लिए गया तो मुझे आधा घंटा घूरते रहे, देखते रहे। उन्होंने कहा आप गोरखपुर से चुन के आए हैं? मैंने कहा जी हाँ। कहा गोरखपुर से? मैंने कहा हाँ। तीसरी बार उन्होंने फिर पूछा, कहा गोरखपुर से ही? मैंने कहा हाँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। तो मैंने कहा आप सरदार जी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि मैं एक बार गोरखपुर गया था एक चुनावी सभा को करने के लिए, लेकिन दोनों ओर से बम चलने लगे, मैं भाग गया, तब से मैं गोरखपुर द्वारा नहीं गया। ये छवि थी गोरखपुर की। मुझे बहुत धक्का लगा इस बात को सुनकर के कि हमारे शहर के बारे में, हमारे जिले के बारे में लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं गोरखपुर गया, मैंने गोरखपुर के सभी व्यापारिक संगठनों को, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों को बिठाया। मैंने कहा भी बाहर हमारे बारे में इस प्रकार का संदेश है, हमें सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़नी है। सरकार कोई भी हो वह चलती रहे, लेकिन इस समाज की समस्या है, हम इसका समाधान यहां मिल बैठ करके करें। और मोदिया मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश के बारे में आज जो बातें, जो गोरखपुर के बारे में 1998 में मुझे सुनने को मिलती थी, आज उत्तर प्रदेश के बारे में पूरे देश के अंदर उस प्रकार की चर्चाएं होती थी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इन 15 वर्षों में हम लोगों ने गोरखपुर में एक भी व्यापारी को गुंडा टैक्स नहीं देने दिया, एक भी व्यापारी का, किसी भी चिकित्सक का अपहरण नहीं करने दिया, कहीं हमने किसी को अराजकता नहीं फैलाने दी। 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 403 दंगे हुए, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। और हम फिर कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की स्थिति हम लोग स्थापित करने में सफल होंगे, कोई संदेह इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं इस बात को और भी पुरजोर तरीके से इसलिए कहना चाहूँगा, लोग मेरी उम्र के बारे में कह सकते हैं, मैं आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़के जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में, और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं हैं, अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। 1 जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया,
मुझे लगता है कि ये आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा, आप सबका प्यार और स्नेह आप बोल सकते हैं। अरे क्यों, अरे मेरा नाम रखो, आप बोले ना, बोले बोले। अब इसीलिए वो ब्राह्मण जी एक साल उनसे बड़े हैं, अखिलेश जी उनसे एक साल छोटे हैं, उनके दोनों के बीच में वो है। लेकिन अब आप एक बार नहीं, एक बार आप अधिकार में आए हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं, आपको बधाई देता हूं। लेकिन आप इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करो, चीफ मिनिस्टर बन के जब आप उस कुर्सी पे बैठते हो उसी की गरिमा रख के आगे चलो। मैं उसी की गरिमा की बात करने के लिए आया हूँ। आपसे बड़े हैं इसलिए अच्छा आशीर्वाद दिया है, समझ लो। अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए मैं आप सबको इस बात, आप लोगों ने मुझे बड़ा स्नेह दिया है और मैंने शुरू में ही कहा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है इस सदन से। वास्तव में एक सामान्य शिष्टाचार और मैनर क्या होता है संसद में सीखा जा सकता है। हम लोग जब मैं पहली बार चुना गया था सांसद तो मैं इस बात के लिए थोड़ा अंदर से संकित था कि पता नहीं कैसा व्यवहार होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग संसद परिसर में प्रवेश किए यहां के एक एक कर्मचारी का जो सदव्यवहार था, जो शिष्टाचार था, और वह केवल सदन में हम लोग यहां पर बहुत बार वह देखने लायक है, वह समाज को बताने लायक है, क्योंकि बाहर हमारे बारे में बड़ी भ्रांत धारणाएं पैदा की जाती हैं। सदन के अंदर जो शोरगुल होता है मानते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा हो सकता है। हम लोग बहुत बार हमारी जो आपस में बहस होती है उसमें बहुत वाद विवाद हो जाता है, लेकिन बाहर हम लोग जब गैलरी में मिलते हैं तो एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखाई देते हैं। हम सारी चीजों को फिर यहीं पर छोड़ करके बाहर वही सद्भावनाएं हमारे बीच में होती हैं। और मैं सबसे इसीलिए आप पूरे सदन से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने मुझे जो दायित्व दिया है, मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा उत्तर प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश में आए, स्वागत होगा आप सबका। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का प्रदेश होगा, देश का उत्कृष्ट प्रदेश होगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, दंगों से मुक्त प्रदेश होगा, अराजकता और गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश होगा। और उत्तर प्रदेश में हम विकास का एक ऐसा मॉडल देंगे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में माताओं और बहनों को अपनी सुरक्षा के लिए कहीं गुहार नहीं करना पड़ेगा। और यह कार्य वहां पर प्रारंभ आप देखिए अवश्य। और मैं आपको खासतौर पर खड़गे जी, आप तो यहां पर नेता के रूप में हैं और हम आपको सादर आमंत्रित करेंगे, मैं पूरे सदन को आमंत्रित करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश में आए। और उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए, बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहां। बहुत कुछ वहां पर बंद होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, आपने भी हम लोगों को बड़ा स्नेह दिया है इस सदन में, और आपने जिस कुशलता से इस सदन को संचालित करने और इस सदन में आने वाले नए सदस्यों को अवसर दे करके आगे बढ़ने का जो अवसर दिया, एक मंच के रूप में देश की सर्वोच्च सदन में जो अवसर दिया है, मैं बार बार आभारी हूं। और पूरे सदन को मैं उत्तर प्रदेश में आमंत्रित करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश आपका स्वागत करेगा। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में, उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के बारे में जो सपने हैं, उन सपनों को साकार करता हुआ प्रदेश आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। यही कहते हुए मैं एक बार पुनः आप सब का आभारी व्यक्त करते हुए पानी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। श्रीमती के कविता मैडम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पहले तो मैं तेलंगाना के जनता की ओर से श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत